हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धि रॉय, यू आर वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज का वीडियो सभी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि हम लोगों ने जो पिटीशन साइन किया था वो 20K प्लस साइंस हो चुके हैं। आपको पता है कि दो चैनल्स की तरफ से ये स्टार्ट किया गया था, तो हम लोगों का जो पिटीशन है 20K भी क्रॉस कर चुका है। अभी स्टूडेंट साइन किए हैं 5 दिन के अंदर, मतलब डेली 4000 से ज़्यादा साइंस आए हैं, तो बहुत ही हैप्पी है दोनों चैनल्स, जो चैनल्स ये स्टार्ट किए थे पिटीशन। उसके साथ साथ और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये जो पेटिशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है इसको 20K में आपको नहीं रुकना है, आपको ये करते जाना है। 50K नेक्स्ट हम लोगों का एम मैं रख रहा हूँ, तो सभी को बोलिए, अपने दोस्तों को बोलिए, 50K साइंस हम लोगों को अल्टीमेट एग्जामिनेशन से पहले चाहिए, ताकि ये पता चले कि एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स कितना यूनाइट हो सकते हैं, स्टूडेंट्स यूनिटी कितना इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको पता है, तो स्टूडेंट्स यूनिटी दिखाइए एंड 50K प्लस साइंस हम लोगों को चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि 20K साइंस हो जाने के बाद हम लोग पिटीशन जो है उसको सेंड करेंगे हायर अथॉरिटीज को, तो मास मेलिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और मास मेलिंग में क्या क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ आपको दिखाऊंगा, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेके हम लोग छोड़ेंगे। तो तब तक, जब तक ऑनलाइन एग्जाम अनाउंस नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता, तब तक हम लोग फाइट करेंगे। कुछ पॉइंट्स ऐड किया गया है और भी सब कुछ आपको दिखाता हूं, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं पेटिशन का एक सिग्नेचर जो हुआ है उसका स्क्रीनशॉट आपको यहां पे दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं यहां पे 20K प्लस सिग्नेचर्स कंप्लीट हो चुके हैं हम लोगों का जो पेटिशन है पेटिशन में। तो ये पेटिशन कंप्लीट हो जाने के बाद अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को करना है मास मेलिंग। यहां पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या सोचा है कि जो पेटिशन का जो पॉइंट्स था वो पॉइंट्स तो हम लोग रखेंगे, उसके साथ साथ दो या तीन पॉइंट्स और ऐड किया गया है, वो पॉइंट्स भी ऐड करके टोटल आई होप 10 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स हम लोग भेजेंगे आपको। पिटीशन जो है वहां पे जो स्टूडेंट्स पिटीशन वाला वीडियो देखे थे उनको पता है कि क्या क्या पॉइंट सामने आया है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं क्या क्या मेन पॉइंट्स हम लोगों ने बोला है। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, सेकेंड टाइम कम मिला है स्टूडेंट्स को, 1-2 महीना टाइम मिला है, थर्ड अभी कोविड सिचुएशन डिफरेंट जगह पे केसेस बढ़ रहा है, दिल्ली में 90% केसेस बढ़ा है, इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में भी केसेस बढ़ रहा है। रिसेंटली हम लोगों का पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये भी बोला है कि जो केसेस है अभी हम लोग इजीली नहीं दे सकते, क्योंकि कंप्लीट कोविड नहीं गया है अभी तक इंडिया से, बूस्टर डोज भी चल रहा है इस समय में, और एग्जामिनेशन लेना थोड़ा टफ हो जाएगा ऑफलाइन मोड पे, ये बोला है हम लोगों ने पिटीशन में। उसके साथ साथ रिसेंटली जो अनाउंसमेंट आया हम लोगों का सीएम के तरफ से कि जो गर्मी का छुट्टी है, जो हीट वेव है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है, आपको पता होगा कि 40 डिग्री 42 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, इस टेम्परेचर में जहां पे लू बह रहा है इस टेम्परेचर में दिक्कत है। क्या दिक्कत है इस टेम्परेचर में? ऑफलाइन क्लासेस में दिक्कत है, तो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोला जा रहा है, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बोला जा रहा है समर वेकेशन देने के लिए। तो अगर फिर से ऑनलाइन क्लासेस लिया जाए कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, तभी कैसे ऑफलाइन में एग्जामिनेशन हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? जहां पे मई महीने में छुट्टी रहेगा समर वेकेशन के लिए, कुछ यूनिवर्सिटी बोले थे तभी एग्जामिनेशन लेंगे, वो कैसे पॉसिबल है? तो अभी चांस बढ़ रहा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, पर जब तक फाइनल अनाउंसमेंट नहीं आता हम लोगों को फाइट करना है। तो जो पॉइंट्स मैंने बोला वही पॉइंट्स यहां पे बोला गया है जो हम लोग मास मेल करेंगे। तो मास मेलिंग आपको कैसे करना है, क्या क्या आपको देना है, वहां पे क्या करना है, सब कुछ आपको दिखाता हूं, बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं अभी मैं आ चुका हूँ मेरे कंपोज मेल पे, तो वहाँ पे आपको मेल आईडी जब भी आप ओपन करेंगे वहाँ पे कंपोज नाम का ऑप्शन मिलेगा, वो ओपन करने के बाद आपको ये कंपोज सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाके आपको फॉर्म में तो आपका ईमेल आईडी ऑलरेडी दिखाएगा जहाँ से आप सेंड कर रहे हैं, टू में आपको देना है cm@wb.gov.in, ये जो आपको देना है यहाँ पे जो मैंने लिखा है सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ पे जाके एक ड्राइव है गूगल ड्राइव, वहाँ पे मैंने सेव करके रखा है, तो वहाँ पे जाके आप इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पे सीसी सेक्शन में देख सकते हैं आपको क्या क्या मैंने मेंशन किया है, टोटल यहाँ पे आप 42 के आसपास यहाँ पे अथॉरिटीज है जिनके पास ये मेल भेजा जा रहा है, एंड ये जो मेन ईमेल है इसको भेजा जा रहा है वेस्ट बंगाल का सीएम को। तो सीएम को मतलब टू में रख के बाकी जो अथॉरिटीज है उनको सीसी में रख के, मतलब सभी के पास से मेल जाएगा, पर हम लोग ये लिख रहे हैं एक्चुअली हम लोगों का सीएम को। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट सेक्शन में यहाँ पे क्लियरली लिखा है वी डिमांड ऑनलाइन एग्जाम इन नेक्स्ट यूजी पीजी डिप्लोमा ऑल इवेंट सेम 2022,
ओवर 20K स्टूडेंट्स हैज साइंड द पिटिशन। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 20K हो जाने के बाद मास मेलिंग होगा, वैसा ही आज मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट सेक्शन है, यहाँ पे आपको यही लिखना है कि हम लोग ऑनलाइन एग्जाम चाहते हैं, 20K हम लोग सिग्नेचर कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बॉडी है, बॉडी पे हम लोगों ने क्या लिखा है, ये सब्जेक्ट सेक्शन में आपको लिखना है। वी डिमांड वाला जो पार्ट है ये आपको सब्जेक्ट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका बॉडी है, बॉडी पे हम लोग क्या लिखे हैं, जहाँ पे कंपोज आपको एक्चुअली करना है, तो वहाँ पे रिस्पेक्टेड सीएम मैडम, तो हम लोग जो सीएम है रिस्पेक्टेड ममता बनर्जी, उनको हम लोग पहले यहाँ पे लिख रहे हैं, उनको बोल के ही लिख रहे हैं कि आपको हम लोग मेनली भेज रहे हैं। उसके साथ साथ जो ये अथॉरिटीज़ है सीसी में उनको भी भेज रहे हैं, पर मेन हम लोगों का एम है कि हम लोगों को सीएम के पास ये पहुंचे और सीएम इसके ऊपर कुछ स्टेप ले। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी पॉइंट्स हैं, जो जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है, कोविड वेव जो है उसके साथ साथ कोविड केस बढ़ रहा है, एक्सी वेरिएंट के बारे में हम लोगों ने बोला है, लॉकडाउन ने हम लोगों का हैबिट बिगाड़ा है, पहले से बोलना चाहिए था ऑफलाइन होगा ये बोला है, हम लोग प्लेसमेंट्स फाइनल ईयर का जो इंटर्नशिप है इसके बारे में डिस्कशन हुआ है, सब कुछ यहाँ पे बोला गया है, टाइम कम मिला है, सिलेबस कम यहाँ पे था ये भी बोला गया। उसके साथ साथ देख सकते हैं 2 और 3 पॉइंट्स ऐड किया गया है, उसके बीच जो मेन पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 10 पॉइंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अनाउंस्ड समर वेकेशन फ्रॉम 2 मई टू 15 जून। तो जो टाइम पे एग्जामिनेशन होने का बात कर रहे थे सब यूनिवर्सिटीज, तब तो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी या फिर जो अदर कॉलेजेस हैं, ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं, वो तो एग्जाम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि तभी तो समर वेकेशन चलेगा, समर वेकेशन टाइम में ऑनलाइन में स्टडी चलेगा। तो मैक्सिमम स्टडी इस बार भी तो ऑनलाइन में ही हो रहा है, और ऑफलाइन में स्टडी कितना हुआ है जो ऑफलाइन में एग्जामिनेशन होगा, ये पॉइंट भी हम लोगों ने ऐड किया है। और ये टोटल 10 पॉइंट्स हम लोगों को भेजना है, और इसको बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले कॉपी करके इसको पेस्ट करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए लिंक है गूगल ड्राइव का, उसको ओपन कीजिए, वहाँ पे सब कुछ मेंशन है, वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके करते जाइए, एंड लास्ट में देखना 2 एंड CC वाला जो पॉइंट्स है वो भी दिया है, उसको भी मैं स्क्रीनशॉट एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन में एक बार आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है यहाँ का सब्जेक्ट, ये आपको सब्जेक्ट में देना है, उसके बाद रिस्पेक्टेड मैडम से, एकदम रिस्पेक्टेड मैडम से ये जो नीचे वाला सेक्शन है मतलब स्टूडेंट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, यहाँ तक आपको कंपोज जो है वहां पे देना है, सब्जेक्ट में ना देके कंपोज में देना है, एंड नीचे देख सकते हैं 2 में ईमेल आईडी है वेस्ट बंगाल सीएम का, एंड सीसी में भी बहुत सारी ईमेल आईडीज है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस का, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी का, वो भी आपको देना है। ये कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, जो हम लोगों का पेटिशन है उसका एक स्क्रीनशॉट लेके वो भी यहाँ पे अटैच कर देना है, आपका अपर राइट साइड में चेक कीजिए, यहाँ से आप अटैच कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद आपको इजीली सबमिट बटन में क्लिक करना है, तो ये सेंड हो जाएगा, सेंड हो जाने के बाद आपका काम हो गया, एंड आपका नेक्स्ट जो काम होगा वो होगा ये वीडियो को शेयर करना, एंड अपने जो फ्रेंड जोन है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सभी जगह पे बोलना कि ये वीडियो को शेयर करो, ताकि सभी को समझ आ जाए कैसे मास मेलिंग करना है, एंड उनको आप लोग भी गाइड कीजिए कि मास मेलिंग करो, नीचे जो गूगल ड्राइव है वहाँ से कॉपी पेस्ट करो एंड सेंड करते रहो अथॉरिटीज़ को, ताकि उनके पास ये हम स्टूडेंट्स का जो वॉयस है ये पहुँचे। तो यही था आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।